हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में है आपका स्वागत। तो देखिए आज हम लोग कहाँ से वीडियो अपना स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं बनाऊंगी कड़ी पूड़ी रेसिपी। तो अभी हम लोग बनाएंगे कड़ी सबसे पहले। और ये देखिए मैंने इसमें ताज़ा जो है छाछ ले लिया है जो मैंने खुद ने बनाया था। और ये देखिए इसके बाद में इसमें डालूंगी मैं एक चुटकी हींग। और इसमें बेसन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। और अब हम बनाएंगे आज इसकी कड़ी। तो देखिए इसके बाद अब हम डाल देते हैं इसमें हल्दी। और हल्दी डालने के बाद में अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें क्या क्या डाला है। छाछ लिया है घर का बना हुआ है जो कि, और इसके बाद मैंने इसमें डाला है बेसन, और इसके बाद हींग, इसके बाद हल्दी। और इसको अब हाथ से अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। इसके बाद दही जो है, मतलब छाछ जो है मेरा खट्टा है, तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी भी मिक्स करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे जो फुटकी फुटकी बूंदी बूंदी सी दिख रही है ना, वो इसमें घी की दिख रही है, मक्खन की। क्योंकि मैंने देखिए कितने बहुत सारा मक्खन इसमें छोड़ दिया था, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चाहे आप घी बना के खा लो या फिर मक्खन सब्जी में खा लो, खाना तो हम लोगों को ही है। तो जो चीज़ जिस चीज़ का टेस्ट बढ़ाए उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो देखिए काफ़ी है इसमें मक्खन, और देखिए घर के बने हुए छाछ की तो बात ही क्या है। तो वही देखिए मैंने बना लिया, और देखिए मक्खन बहुत ज़्यादा बच गया है इसमें, और ये बहुत टेस्टी लगेगी। इससे हमारी जो है कड़ी जो है बहुत टेस्टी लगेगी। क्योंकि आज है संडे, और वैसे भी मैं कॉलेज जाने के कारण ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं बना पाती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी, क्योंकि 9 बजे तक मुझे बना खा के, मतलब बना करके और अपना लंच लगा करके ले जाना होता है। तो सुबह सुबह इतना जल्दी ये वाली चीज़ें नहीं बन पाती हैं, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह उठ करके मैं सीधी सादी सब्जी बनाना पसंद करती हूँ। तो वही देखिए आज इसलिए कड़ी बनाऊंगी मैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी टाइम हो गया है इसको खाए हुए। तो इस तरीके से आप जब कड़ी बनाएंगी ना, आपकी तो बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके की बनी हुई कड़ी। और मतलब इतना प्यारा कलर देती है, आप देखिएगा आगे आगे इतना प्यारा कलर देगी और टेस्ट इतना अच्छा देती है कि आप लोग देख करके ही बोलोगे कि वाह कितनी प्यारी है। ये देखिए हमारा, हमने काफ़ी टाइम तक, कम से कम मैंने इसको 40 मिनट तक मंदी आंच में छोड़ दिया था बॉईल होने के लिए। तो ये अच्छी तरीके से देखिए इसमें उफान आने लगा है, और मैंने काफ़ी बार इसको चलाया। और देखिए अब हम इसमें तड़का लगाएं। तो ये देखिए अब मैंने गैस जला दी है, और अब हम इस पर रख देंगे तड़का पैन। और इधर देखिए कड़ी, मतलब जो हम लोगों ने बेसन और हल्दी वगैरह डाल करके इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। और जब भी आप कड़ी बनाएं तो कड़ी का जो है, मतलब कड़ी बनाने के लिए जितनी आपको कड़ी बनानी है मैं उससे ज़्यादा दुगनी क्वांटिटी में रखती हूँ, और उसको बॉईल करके आधा ही बचाती हूँ, तभी कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और छाछ भी जो है हम लोगों को नुकसान नहीं देता है सर्दियों में। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है सोयाबीन ऑयल, और ये देखिए अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के लगाने के लिए मैं क्या क्या डालूंगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप इस तरीके से तड़का लगाइएगा तो आपकी सेहत को भी ये बहुत अच्छा रखने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें जब हम लोग यूज़ करते हैं ना तो हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है तड़के में। ये हमारे लिए, मैं एक तरीके से कहूँगी कि दवाइयों का काम करती है। तो सबसे पहले तो हमने इसमें हींग डाल दी है जो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे राई। तो ये मैंने राई डाल दी है। इसके बाद हम लोग डालेंगे जीरा, और ये मैंने जीरा डाल दिया है। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे जो मतलब मेथी दाना होता है, वो मेथी दाना कड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें 2-3-4 कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, और अब हम इसको मंदी आंच में जो है भूनेंगे। जब तक हरी मिर्च और कड़ी पत्ता हमारा नहीं भून जाता तब तक इसको मंदी आँच में भूनना है। और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे, जिससे जो है हमारी कड़ी का कलर दुगना हो जाएगा। कड़ी का कलर तो वैसे भी हमारा बहुत अच्छा आया है, बट आप इसमें भी हल्दी आधे चम्मच ऐड कर देंगे ना, तो हल्दी क्योंकि सर्दियों में खाना चाहिए, ये बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है हमारी को। और बच्चे भी जब इसको खाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दूध के साथ हल्दी हमेशा नहीं लेना चाहिए, कभी कभी हल्दी वाला दूध लेना चाहिए, लेकिन सब्जी में हल्दी जो है खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी शरीर की इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है, और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें बहुत अच्छे, मैं ये कहूँगी बहुत अच्छे गुण होते हैं हल्दी में। तो ये देखिए मैं तड़का लगा दिया है, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। आप लोगों को भी खुशबू आई हो, पाने लगी होगी। तो देखिए अब हम, मैं थोड़ी देर बाद 1-2 सेकेंड के बाद इसको हटा करके दिखाती हूँ आपको।
थोड़ी देर ढकने देते हैं, मैंने थोड़ी देर हो गई है, अब हम इसको हटाते हैं। तुरंत नहीं हटाना है क्योंकि तड़के की खुशबू जो है, गैस मेरी चालू थी तभी मैंने तड़का लगाया है, और तुरंत प्लेट को हमें नहीं हटाना है क्योंकि तड़के की खुशबू जो है बाहर निकल जाती है फिर। और देखिए कितनी प्यारी दिख रही है कढ़ी हमारी, मैं इसको चला करके आपको दिखाती हूँ। और देखिए मेरी कढ़ी रेसिपी किस किस को पसंद आई कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आज की कढ़ी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर आपके स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप लोग इसी तरीके से मुझे बहुत सारा प्यार देते रहे हैं, तो बस इसी तरीके से हमारा साथ जो है बना रहेगा। तो ये देखिए कढ़ी हमारी कितनी प्यारी दिख रही है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी। आप इस तरीके से कढ़ी बनाइएगा और इस तरीके से तड़का लगाइएगा, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है। और देखने में अगर आपके इधर गेस्ट आए तो कढ़ी पूड़ी या कढ़ी चावल इस तरीके से बना करके जब हम लोग खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको चला करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कढ़ी का कलर देखिए आप, कितना अच्छा आया है कढ़ी का कलर। और जिसको भी आप इस तरीके की बनी हुई कढ़ी खिलाएंगे ना तारीफ़ करता रह जाएगा। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है तड़का और कितनी प्यारी दिख रही है कढ़ी। और किस किस को पसंद आई कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आज संडे की रेसिपी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और मैं इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। गैस को अब हम कर देते हैं बंद। ये देखिए कढ़ी हमारी बन करके है तैयार, अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ। तो चलिए पूड़ियाँ बनाते हैं। सारा सामान मैंने रख लिया है यहाँ पर, और इस तरफ थोड़ी सी सोया बड़ी की सब्जी बन रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज है संडे और मैंने बना ली है कढ़ी की सब्जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और अब हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं देखिए। तो आज संडे स्पेशल में हमारे इधर बनेगा कढ़ी पूड़ी, और कढ़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चे टीवी देख रहे हैं और कढ़ी पूड़ी खा रहे हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और पूड़ी देखिए कितनी अच्छी बन रही है, और कढ़ी की सब्जी भी हम लोगों ने बना ली है। ये देखिए इसकी मैंने पूरी रेसिपी आप लोगों को बताई, और इसकी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए पूड़ी बनाते हैं। तो देखिए रिंकू यहाँ पर बना रही है पूड़ी, और मैंने बोला कि मैं सूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। और देखिए कितनी अच्छी पूड़ियाँ बन रही हैं, और कढ़ी के साथ में गर्म गर्म पूड़ियाँ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और कढ़ी पूड़ी किस किस को पसंद है, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और बेटा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी पूड़ी की सब्ज़ी। और मेरे घर में बच्चे इसको खट्टा बोलते हैं, मतलब छोटे थे ना तब से ही हम लोग जब वो खाते थे ना तो बोलते थे मम्मा खट्टा खाएँगे खट्टा खाएँगे, तो अभी भी बच्चे खट्टा ही बोलते हैं। कढ़ी हमारे घर में कोई नहीं बोलता है, हम लोग इसको खट्टा ही बोलते हैं। और पूड़ियाँ कढ़ी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए हम लोग बना रहे हैं पूड़ियाँ। देखिए बच्चे स्कूल जाना बंद हो गया है ना, तब से पूड़ी पराठा बहुत कम हो गया है, वरना पहले डेली पूरी पूड़ी पराठा जो है लंच के लिए बनते थे, तो अब आजकल थोड़ा सा पूड़ी पराठा खाना थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि बच्चे अब हमारे स्कूल नहीं जाते ना, इसलिए अब ज़्यादा नहीं बनाते हैं, क्योंकि पहले ब्रेकफास्ट में जो है अधिकतर टाइम पूड़ी या पराठा ही बनता था बच्चों को स्कूल के लिए डेली। तो अब बच्चों को कभी कभी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ज़्यादा ऑयल भी हमारे माइंड के लिए हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसीलिए ऑयल का जितना हो सके आप लोग कम ही यूज़ कीजिएगा, तो ऑयल जो है हमें ज़्यादा नुकसान देता है। तो ये देखिए पूड़ियाँ हमारी कितनी अच्छी बन रही हैं, तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए।
लोग मुझसे न्यू जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं इतनी छोटी जगह में रहने वाली हो करके आप सब लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि इतनी छोटी सी शुरुआत करने के बाद आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और कहते हैं लोग कि दुनिया में इग्नोर करने वाले लोग होते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि मन जिसका साफ हो और आप जैसे दोस्त जिनके पास में हो उनको किस चीज़ की कमी है। मतलब मैं ये कहूँगी कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, हमको खुद अच्छा बनना चाहिए।